मेरी अभी माइकल से बात हुई और माइकल बोल रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी सुबह सुबह माइकल घर क्यों आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, माइकल जब आएगा तो वो खुद बता देगा कि माइकल घर क्यों आया है और ऐसा क्या काम है। बाकी शिनचैन और चोप कहाँ गए, मुझे दीवार कूद के जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि शिनचैन और चोप कुछ खुरापाती हरकत तो नहीं कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, यार ये तो चुपचाप खड़े हुए हैं, आज तुम दोनों इतने शांत कैसे हो शिनचैन और चोप? फेंगी भैया, मैं तो शांति रहता हूँ ना, आप भी किसी बात करते हो। वैसे कल वे आज बहुत जल्दी उठ गया, कहीं जाने वाला है क्या? जाना तो कहीं नहीं है यार चोप शिनचैन, बट सुबह सुबह माइकल ने कॉल करा था और बोला था कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, कुछ काम है। बट क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता, जब माइकल आ जाएगा तब खुद बता देगा कि उसको क्या काम है इतनी सुबह सुबह हमसे। तो उसका वेट ही करते हैं, और बाकी तुम दोनों बाहर खड़े हो तो घर की सफाई कर लेते थोड़ी तो अच्छा रहता, इतना जल्दी उठ के क्या करते हो जब घर का काम ही नहीं करना होता है तुम्हें तो। फेंगी भैया चुप हो जाओ, आप खुद भी घर का काम नहीं करते हो, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं ना आपको। गाइस यार शिनचैन से बात करना ही बेकार है, माइकल कब आएगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है, कहीं और भी जाना है। जल्दी से माइकल आ जाए तो उससे बात करके हमें कहीं और निकलना है। वेट, कौन है ये? गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेस्टर, लेकिन माइकल तूने तो बोला था कि तू अकेला आ रहा है मेरे से मिलने मेरे घर, तो लेस्टर को साथ क्यों लेके आया? अरे यार फ्रैंकलिन, काम ही कुछ ऐसा है जो लेस्टर के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये बता कि तू काम क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू क्या लेना है मेरे घर पे। क्या गाइस, माइकल मुझे बोल रहा है कि हम तीनों, मैं लेस्टर और फ्रैंकलिन, मतलब हम तीनों गोस्ट हंटिंग करने वाले हैं, मतलब कि भूतों को पकड़ने वाले हैं और उनसे बातें करने वाले हैं। हाँ सही सुना तूने एकदम। तुम दोनों को दुनिया में और कोई काम नहीं मिला जो तुम दोनों ने भूतों को पकड़ने का धंधा स्टार्ट कर दिया है? माइकल ये सब क्या है यार? अरे यार तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए। सो गाइस क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, शायद अब मुझे भी लगता है कि मुझे लेस्टर और माइकल के साथ जाना चाहिए, बट हम गोस्ट को पकड़ेंगे कैसे? उसकी टेंशन तुम मत लो, लेस्टर है ना तुम्हारे साथ, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे गोस्ट ऑटोमेटिक उस मशीन में फंस जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि चलना कब है? तुम कपड़े चेंज करके मेरे घर ही आ जाओ, वहीं से अपन निकल जाएंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, अब हम चलते हैं। ठीक है फ्रैंकलिन, और कान खोल के सुन लो, शिनचैन और चोप को किसी को साथ मत लाना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। फ्रैंकलिन भैया मैं तो साथ आऊंगा, प्लीज फ्रैंकलिन भैया। फ्रैंकलिन यार इनको साथ मत लेके आना, ठीक है गुड बाय, मैं चलता हूँ, और जल्दी पहुँच जाना तू भी। ठीक है फ्रैंकलिन। डोंट वरी माइकल, मैं अकेला आऊंगा, किसी को साथ नहीं लाऊंगा, कपड़े चेंज करके तेरे घर पे आता हूँ, और तू भी आराम से जाना, गाड़ी स्लो चलाना। अबे नीचे उतर जा, वो मरा देख। फ्रैंकलिन भैया क्या आप भी चलती गाड़ी में उंगली करते हो यार? गाइस तो चलो चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, शिनचैन चोप घर का ध्यान रखना, कहीं मत जाना, घर में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कार लेके जाऊँ या फिर बाइक लेके जाऊँ, वहाँ से शायद हम दूसरी कार लेके जाएंगे, बाकी ऐसी खटारा कार में तो मैं नहीं जाने वाला। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से बाइक लेके जाऊँ, माइकल के घर पे मैं बाइक आराम से रख दूंगा, और उसके बाद हम वहाँ से कार लेके चले जाएंगे। सो गाइस चलो चलते हैं और कपड़े चेंज करते हैं जल्दी से। भैया आप इतने प्यारे से शिनचैन को साथ नहीं ले जाओगे क्या? नहीं शिनचैन, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। जाओ जाओ कलबे जाओ, उस भूतनी से मिल के आ जा, तुझे तो वो कच्चा चबा जाएगी साले। कलवे हमें साथ नहीं लेके जा रहा है तू, चाहे कच्चा चबा या पक्का, लेकिन मैं तुम दोनों को तो साथ नहीं लेके जाऊंगा। बट गाइस कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि हॉरर वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ एक जैकेट है मेरे पास, बट हॉरर वाली फीलिंग्स तो उससे नहीं आएगी, बट चेक कर लेते हैं। और वैसे भी कौन सा भूतनी से शादी करनी है यार, हमें भूतों को पकड़ना है, उनसे बातें करनी है, गोस्ट हंटिंग करनी है। चलो चलते हैं। ओके ये ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं फटाफट से माइकल के घर। मैं तो सोच रहा हूँ कि भूख लग रही है और खाना मैं माइकल के घर ही खाऊंगा। गाइस खाने से याद आया कि मैंने उनसे ये तो पूछा ही नहीं कि वापस कब आने वाले हैं, 2 दिन रुकेंगे कि 3 दिन, क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा, या शायद टिफिन ही ले लूँ। वहाँ जाने के बाद पता चले कि हम 3 दिन वापस घर नहीं आने वाले हैं, और वहाँ पर हम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए
पिए रहे तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। वैसे माइकल के घर जाके वो चीज़ तो कंफर्म करनी पड़ेगी कि कितने दिन में या फिर कितने घंटे में हम वापस आने वाले हैं। बाकी शिनचैन चौक तुमने कार बाहर निकाल दी भैया, हाँ, हम इतना भी नहीं कर सकते कि आपके लिए कर सकते हो, लेकिन मैं कार नहीं बाइक लेके जाऊंगा, तो वापस कार को आराम से पार्किंग में लगा देना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना यार, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी। भैया अगर जिंदगी अधूरी है तो हमें साथ लेके जाओ ना। नहीं यार, जिंदगी अधूरी है इसलिए तो मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। चौक घर का ख्याल रखना, चुपचाप चला जा यहाँ से साले कुत्ते। अबे कुत्ता तो तू है ना, चला जा कुत्ते वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अबे यार चुप, कितना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है तू। बदतमीज़ तो मैं कब से हूँ सिंचन, कब से हूँ यार बदतमीज। हाँ तू सिंचन से पूछता रहना कि तू बदतमीज कब से है, तब तक मैं वापस भी आ जाऊँगा। सो गाइस चलो चलते हैं माइकल के घर। एक मिनट गाइज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग घोस्ट हंटिंग करेंगे कैसे। ऐसी कौन सी मशीन है उनके पास जिससे भूतों को पकड़ा जा सकता है, और मैं भी फर्स्ट टाइम भूतों को देखने वाला हूँ। उनसे बातें करेंगे, बट बोलने में आसान लग रहा है, ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। पेंट भी गीली हो सकती है क्योंकि भूत है यार। बाकी हम जाने कहाँ वाले हैं घोस्ट हंटिंग करने के लिए, कौन सा लोकेशन होगा, कितना डेंजर होगा, कुछ भी नहीं मालूम। और कौन सी कार लेंगे यार, ऐसी खटारा सी कार अगर इन्होंने ले ली तो भूत अगर पीछे पड़ गया तो भाई साहब पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। तो कार तो एकदम मस्त लेंगे ताकि भूत से भी ज़्यादा तेज अपनी कार भाग सके और अपन घर आ सकें। बाकी फाइनली माइकल का घर ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट अभी तक आया क्यों नहीं है, शायद मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। नहीं यार, ओह रास्ता तो सही है। बाकी हाँ, आने वाला है माइकल का घर। ये रोड क्रॉस करने के बाद सीधा सामने है माइकल का घर, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। गाइस बातों में हम थोड़ा भटक गए थे तो थोड़ा टाइम हो गया, शायद माइकल गुस्सा ना हो जाए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी शायद कहाँ है दोनों, लेस्टर और माइकल, दोनों भाई साहब बातें कर रहे हैं। हेलो लेस्टर, माइकल मैं आ गया हूँ। अबे सुनो, इस सालों से पकड़ रहा हूँ माइकल, भूत पकड़ने का मुझे एक्सपीरियंस है। ओहो भूत पकड़ने की बातें चल रही है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कितना एक्सपीरियंस है और कितना नहीं। अरे माइकल चल यार, आ गया फ्रैंकलिन आ गया। हाँ तुम्हारी बातें ख़त्म हो तब तुम मेरी सुनो ना। बाकी गाइज हम कौन सी गाड़ी में जाने वाले हैं, गाड़ियाँ दो खड़ी हुई है, एक तो शायद जिमी के है जो कि माइकल का बेटा है, तुमको तो पता ही होगा माइकल का बेटा है जिमी। बाकी मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी बाइक को सही जगह पर रख देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आके देखूँ मेरी बाइक ही नहीं है, माइकल का लड़का कहीं लेके चला गया है। नहीं वो लेके जाएगा तो वापस लेके आ जाएगा, बट कोई चोर चोरी करके ले गया तो वापस नहीं आएगी बाइक। तो फटाफट से यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। अबे खोल इसको, बाहर ही खड़ी कर दे यार, कोई नहीं ले जाएगा तेरी गाड़ी को। ओके माइकल बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। बाकी अब चलने का क्या प्लान है, कौन सी गाड़ी में चलने वाले हैं, कौन सी नहीं, क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं, पूरी बात मुझे डिटेल में बता दो यहीं से, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत ना हो। सो गाइज हम चलने वाले हैं इस गाड़ी में जो कि माइकल और लेस्टर अभी बैठने वाले हैं, और लोकेशन होगा शायद माउंट चिलियार्ड जो कि अभी मेरे को माइकल ने बताया, और गाड़ी मैं ही चलाने वाला हूँ क्योंकि इन दोनों की फटी पड़ी है। शायद ये मेरे को इसीलिए साथ लेके आए हैं क्योंकि इन दोनों की बहुत ज़्यादा फटती है भूतों से, लेकिन सपने इन्होंने देख रखे हैं भूतों को ही पकड़ने के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रैंकलिन है, डरो मत, सब कुछ बढ़िया होगा, भूतों से बातें भी करेंगे और भूतों को पकड़ेंगे भी। बट अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, गाड़ी तो तुम लोग घुमा देते यार, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाइज खुशी की बात यह है कि आज हम माउंट चिलियार्ड का रास्ता इंजॉय करने वाले हैं जो कि काफ़ी मस्त नज़ारा होने वाला है। अबे फ्रैंकलिन अगर तू गाड़ी ऐसे चलाएगा तो कब पहुँचेंगे अपन। प्लीज़ माइकल चुप हो जा, गलती मेरी नहीं है, गाड़ी तूने ऐसे चूज़ किया जाने के लिए कि मैं तुझे क्या बताऊँ। कोई स्पोर्ट्स कार लेता या फिर कोई एक्सयूवी लेता जो कि माउंट चिलियार्ड में अच्छे से चल सके, या फिर तीन बाइक ही ले सकता था यार, बाइक से तो अपन आराम से जा सकते थे ना। नहीं नहीं गाड़ी ये भी अच्छी है, बस चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। वैसे लेस्टर तू बात तो ठीक ही बोल रहा है, मतलब मैंने अभी चलाई नहीं थी गाड़ी को, जब मैंने पंजा दबाया गाड़ी का तो चलने में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली घंटे भर में अपन आराम से माउंट चिलियार्ड के रास्ते पे एंटर कर जाएंगे और उसके बाद भूतों से मुलाकात होगी जैसा कि तुम बोल रहे थे, और हम भूतों से बातें करेंगे, है ना माइकल। और अबे हाँ हाँ सब होगा, घबरा मत, भूतों से बातें भी होगी और पकड़ेंगे भी, और अच्छी हुई तो शादी भी करेंगे, घबरा मत, चल चुपचाप अभी तो। ओहो भाई
साहब, लेस्टर बोल रहा है कि भूतनियों से शादी भी करेंगे। भूतों से नहीं करनी, भूतनियों से करना है ना लेस्टर? देख लेस्टर कैसे स्माइल कर रहा है। भूतों से शादी करके तो क्या ही करेंगे यार, भूतनियों से ही करेंगे। चल चल चलते हैं सामने, देख तू मुझे मत देख, मेरी स्माइल पे मत। गाइस, जैसा कि माइकल ने मुझे बोला था कि माउंट चिली हार्ट में कोई बंगलो है शायद, या फिर कोई हॉरर हाउस है, या फिर ऐसी कोई जगह है जहां पर ये गोस्ट हंटिंग करने वाले हैं और उसके बाद वहां पे भूत आएंगे। बट कंफर्म नहीं है बंगलो है या फिर कुछ और है, वहां जाने के बाद ही कंफर्म होगा। फ्रैंकलिन यार, गाड़ी प्लीज़ धीरे चला यार, गाड़ी मेरी है, मेरी तेरी नहीं है। आ गया ना तेरी मेरी पे। गाइस देखो, माइकल तेरी मेरी पे आ गया है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि ये गाड़ी तेरी है या फिर मेरी है। मैं तो तुम्हारे साथ, इतना ख़तरा है वहाँ पे, उसके बाद भी तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हो गया, और गाड़ी थोड़ी सी टच क्या हो गई, तू बोल रहा है कि गाड़ी मेरी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब गाड़ी स्पीडी चलेगी। सो गाइस चलो चलते हैं माउंट चिलियार्ड, गो। गाइस मौसम एकदम सुहाना हो गया है और बारिश भी आने लग गई है। बाकी ये रहा रास्ता जहाँ से हम माउंट चिली आर्ट के अंदर एंटर करेंगे। ये पूरा माउंट चिली आर्ट ही है, बट यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। भाई साहब, लेस्टर सामने देख यार। हाँ रास्ता है। रास्ता नहीं, सामने नो एंट्री है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अबे यार फ्रैंकलिन, ये क्या दिक्कत है यार, चेक कर गया तू? मैं चेक कर लूँगा, लेकिन तुम भी तो बाहर निकलो। ठीक है, मैं भी गाड़ी में आता हूँ। तुम तो बाहर निकलते नहीं हो, बारिश में भीग मैं रहा हूँ और बोल रहे हो चेक कर गया हो। सो गाइस चलो चलते हैं, एक बार बात करता हूँ मैं इन गार्ड्स से कि क्या दिक्कत है। भाई साहब क्या नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते हम? अंदर जाना आपके लिए खतरा होगा, अच्छा है कि आप घर चले जाओ। माइकल नो एंट्री, अंदर नहीं जाने देंगे, ये बोल रहे कि अंदर खतरा है। लेस्टर ये क्या कर रहा है? बारिश एंजॉय कर रहा हूँ यार, बारिश का मजा ही अलग। आजा लेस्टर घर चलते हैं, अब यहाँ से आगे तो हमें जाने नहीं देंगे ये, तो चलो चलते हैं घर। नहीं फ्रैंकलिन, शाम होते ही ये गार्ड अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद हम माउंट चिली यार्ड में एंटर कर जाएंगे। तो गाइज माइकल बोल रहा है कि जैसे ही शाम होगी और ये गार्ड अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद हम माउंट चिली यार्ड में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद गोश्त हंटिंग करेंगे। बाकी लेस्टर और माइकल आ जाओ यार, छत के नीचे रुकते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं है। लेस्टर माइकल आ जाओ जल्दी से यहाँ। हाँ यार, हाँ आ रहा हूँ, मुझे तो जुकाम हो गया, पानी बहुत ठंडा। गाइज अभी थोड़ी देर पहले यही बारिश में वहाँ पे बैठा बैठा बारिश इंजॉय कर रहा था और बोल रहा है कि अब लेट जा यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब लेटना पड़ेगा, तबीयत खराब हो रही है मेरी। गाइज लेकिन अभी भी माइकल की अकड़ ख़त्म नहीं हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी भी बारिश में वो खड़ा खड़ा भीग रहा है। बट जैसे उसे समझ आएगा कि लिटरली पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो वो अभी खुद यहाँ पे आएगा। बाकी अपने काम करते हैं कि यार कुछ अगर हम खाने पीने का, देखो गाइज माइकल भी आ गया है, बाकी कुछ खाने पीने का होता है तो अभी यहाँ पर बना के खाते तो मज़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता, बारिश भी इंजॉय कर देते और गोश्त हंटिंग तो इंजॉय हुई नहीं, उसके बाद शायद हमें कुछ खाना पीना ही नसीब ना हो। एक काम करते हैं गाइस, गाड़ी को भी यहीं पे लेके आ जाते हैं, और कब तक ये पुलिस जाएगी यहाँ से, ये बैरिकेड्स हटाएगी? नहीं भी हटाएगी तो भी हम तोड़ के चले जाएंगे, बस ये पुलिस यहाँ से चली जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी अगर इनको हमने कुछ बोला तो पुलिस की गाड़ियाँ 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 गाड़ियों की गाड़ियाँ लग जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना होगा थोड़ी देर, मैं भी थोड़ी देर आराम कर देता हूँ। लेस्टर के बच्चे उठ जा यार। क्या हुआ? मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे घूंसा मारूं और तू वापस सो जाए। ठीक है मार दे, इसी बहाने नींद आ जाएगी। ठीक है लेस्टर, 1 2 3 रेडी है तू? हाँ रेडी हूँ, मार। ठीक है मारता हूँ। रेडी हूँ, मार ना। ठीक है मारता हूँ, रुक तो जा। लेकिन माइकल क्या करूँ, समझ नहीं आता। हाँ फ्रैंकलिन मार दे घूंसा इसके। ठीक है तू बोलता है तो मार देता हूँ, ये ले घूंसा। यार बस अब नींद आ जाएगी मुझे। गजब का आदमी है, घूंसा खाने के बाद उसको नींद आ गई। तो गाइज यार चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं से स्टार्ट होगा अगला वीडियो। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।